भजन संहिता 73 उसका पहला वचन। सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। सभी लोग कहेंगे परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मेरा परमेश्वर भला है। सब ये विश्वास के साथ दिल से पूरे मन से, ठीक है, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो लेकिन हमेशा याद रखना परमेश्वर भला है। ये हम मसीही जो लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये हमारे ज़िंदगी का क्या होना चाहिए? बुनियाद होना चाहिए। अगर हमारा बुनियाद इस बात पर है कि मेरा प्रभु भला है, तो चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए या मुसीबतें आए, तकलीफ आए, हम कभी गिरेंगे नहीं, हम कभी डगमगाएंगे नहीं। लेकिन हमारे ज़िंदगी का बुनियाद क्या होना चाहिए? परमेश्वर भला है। ज़ोर से परमेश्वर भला है। बुनियाद क्या होना चाहिए? परमेश्वर भला है। इसमें हमको कुछ ऐड नहीं करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यानी उसमें से हमको कुछ जोड़ना नहीं है और उसमें से कुछ निकालना नहीं है। ये बात हमेशा के लिए अटल तरीके से और बहुत ही मजबूती से हमारी आत्मा में हमको बसा लेना है कि यहोवा भला है, परमेश्वर भला है, वो भलाई ही को करता है। ओके, अब और एक वचन हम निकालेंगे जो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन। जो शब्दों को मैं बोल रही हूँ, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना। ओके, कुछ शब्द हैं जिनको हम लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, बहुत ही सरलता से, हल्के से लेते हैं, लेकिन आज उन शब्दों के ऊपर हमको क्या करना है? ध्यान देना है। पहला हमने ये सीखा है कि मेरा परमेश्वर हर परिस्थिति में भला है। जोर से, हर परिस्थिति में भला है। हर परिस्थिति में भला है। अब आगे देखिए 29:11, यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 11 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो भी कल्पनाएं परमेश्वर मेरे विषय में और आपके विषय में करते हैं, उन्हें मैं जानता हूँ, हाँ, वे हानि की नहीं, वो हमारी हानि के लिए, परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए कभी हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, भलाई ही के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सभी लोग बोलेंगे अंत में। अब जो शब्द हम स्ट्रेस कर रहे हैं वो शब्द क्या है? अंत में। हालेलुया। अंत में वो हमारी आशा को क्या करेगा? पूरी करेगा। पूरी करेगा। उसकी कल्पनाएं हमारे लिए भले हैं, उसकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छी हैं, हमारी हानि के लिए नहीं है, और कभी वो हमारी आशा को पूरा करेगा अंत में। हम जो है अंत के बारे में कभी सोचते क्योंकि हम लोगों को इस धरती पर जी के इतना हैबिट हो गया है, इतना आदत हो गया है, हमको ऐसे लगता है कि जो जीवन हम इस धरती पर जी रहे हैं बस वही है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अंत के बाद क्या है। हालेलुया। हमारे जिंदगी का ये जो धरती की जिंदगी है, एक ना एक दिन उसका अंत है। अभी जैसे कि मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे जो एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, एक्सीडेंट में वो लोग नहीं रहे, ठीक है, लेकिन उनका अंत क्या हुआ? ये जो जिंदगी था इस धरती का, जिंदगी उनका खत्म हो गया, उनका जो सफर था वो खत्म हो गया, लेकिन अभी उनको उनके ये जीवन के अंत में उनको क्या मिला वो इम्पॉर्टेंट है। आज हम जो आप जो इतने दिनों से कलीसिया में आ रहे हैं, या फिर आपने अपनी सफ़र शायद आज से शुरुआत की रहेगी, कोई नए हैं यहाँ पर, तो हम हमेशा अपना नज़रिया जो है अंत की तरफ रखकर ही जीना सीखें। हालेलुया। कि आज तो ठीक है, आज मुझे
आज जो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये ज़िंदगी, ये आज की ज़िंदगी है, इस दुनिया की ज़िंदगी है, अभी तक की ज़िंदगी है। लेकिन जो भी है, देखो, आपको अगर प्रमोशन मिलता है, आप पास हो जाते हो, आपके ज़िंदगी में भलाइयाँ होती है, वो सब एक दिन क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब वो सब एक दिन निकल जाता है। एक समय होता है खुशी मिलने का, और वो खुशी क्या हो जाती है, निकल जाती है। और एक समय होता है जब जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, और वो भी टिका नहीं रहता। जो दुख और तकलीफें हमारी जिंदगी में आती है, वो भी टिकता है क्या? नहीं। जैसे बोलते बाढ़ आया, क्या बाढ़ आते ही रहता है क्या? नहीं, वो आता है और वो चला जाता है। आंधी तूफान आते हैं और वो चले जाते हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में जो है वो अटल नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं है, वो आना है और वो जाना है। दुख जो है आता है और उसको जाना भी है, सुख जो है आते हैं उसको जाना भी है। इसीलिए ये जिंदगी के बारे में हम अपने जिंदगी के ऊपर अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से न लगाते हुए अंत में क्या होगा, और वचन बताती है कि अंत में कुशल ही। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको ये क्या दे रहा है पता है? एक हमको हिम्मत दे रहा है, हमको एक प्रॉमिस दे रहा है कि देखो, मैं जो तुम्हारे लिए कल्पना करता हूँ वो हमेशा तुम्हारे भलाई के लिए, कुशल के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हम कौन सी आशा लेकर जी रहे हैं? अंत में हमको क्या आशा चाहिए? बहुत लोगों का आशा यही है कि हाँ, मेरा घर बस जाना चाहिए, मुझे जो बीमारी है वो निकल जाना चाहिए, या फिर जो मुझे तकलीफ है वो निकल जाना चाहिए, मेरा पूरा लाइफ सेटल हो जाना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे सेटल होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस हम सोचते हैं कि वही क्या है, अंत है। लेकिन वो भी एक दिन क्या होने वाला है, निकल जाएगा। अंत जो है हमारा, इस जिंदगी के बाद की जिंदगी के बारे में सोचना है कि अंत में जब मैं यहाँ का सफर पूरा करूँगा, परमेश्वर बोलता है मैं तेरी आशा पूरी करूँगा। यानी हमारी आशा क्या है, वॉट इज़ आर होप, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यही होनी चाहिए कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूँ। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो हमारी आशा यही होनी चाहिए कि प्रभु जहाँ तू है वहाँ मैं आने पाऊँ। मेरी ये जिंदगी ऐसी हो कि अंत में मेरी आशा जो मैंने तुझ पर रखी है अनंत काल के जीवन की, ऐसे जीवन की जहाँ पर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ पर बस हमेशा के लिए इटर्नली मैं आशीषित हूँ, आज़ाद हूँ, और हमें अनंत काल के लिए जो खुशियाँ हैं। देखो, आज जो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनको वो मिला है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। देखो, आज जो खुशियों को वो स्वर्ग में अनुभव कर रहे हैं, और जो कुछ सी हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों को ये धरती के चीज़ों में खुशियों को ले लेके इतना हैबिट हो गया है, इतना आदत हो गया है कि स्वर्ग की खुशियों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु अब जो उनको मिला है, अब जो उनको और आगे जाके जब आने वाले दिनों में हम सब उठा ले जाएंगे, हम सब चले जाएंगे, जो इनाम मिलने वाले हैं, जो सुख मिलने वाला है, जो आराम मिलने वाला है, जो हंसी उनके चेहरे से कोई चुरा नहीं सकता। इस धरती पर रहते हुए एक समय के लिए हम हंसेंगे तो एक समय हमको रोना पड़ता है, करेक्ट। इस धरती पर रहेंगे, एक समय के लिए खुशी मिलेगा तो एक समय हमको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन वहाँ का खुशी का अंत नहीं है। वहाँ हमारे चेहरे पर उदासी नाम की चीज, वहाँ स्वर्ग में उदासी नाम की चीज़ ही नहीं है। हालेलुया। तो हमारी आशा को पूरा करेगा हमारा परमेश्वर। तो हमारी आशा वो होनी चाहिए कि अंत में वो क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आज मैं कुछ बातों को जो कॉमनली ज़्यादातर हम लोगों के अंदर आते हैं, और वो है प्रश्न, है ना, WHY, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाई, हिंदी में बोलते हैं क्यों। कभी ना कहीं कभी हम हर एक के ज़िंदगी में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न है क्यों। पांच बहुत ही कॉमन प्रश्न जो बहुत लोगों के ज़िंदगी में आते हैं,
जब कुछ दुर्घटना होता है, जब कुछ बुराई होती है, मौत हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार में कुछ तकलीफें आती है, तो 5 कॉमन क्वेश्चन जो है लोगों को होते हैं। पहला कॉमन क्वेश्चन ये है कि मेरा जो जीवन साथी है, चाहे वो आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, या जो भी मेरा जीवन साथी है, अगर जवानी में ही वो तुमसे अलग हो गए हैं, एक कम उम्र में अलग हो गए हैं, तो हमारे अंदर प्रश्न आता है कि इतने कम उम्र में हम अलग क्यों हुए। ओके, व्हाई इज माय कंपेनियन सेपरेटेड फ्रॉम मी एट दिस यंग एज। इस छोटे से उम्र में, इस कम उम्र में हम अलग क्यों हो गए। ओके, तो प्रश्न होता है क्यों प्रभु, ऐसा क्यों होने दिया। ठीक है, और कभी दूसरा प्रश्न ये आता है जब छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती, जैसे मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल का और 10 साल का था, और दुर्घटना में वो ना रहे, तो हमको प्रश्न आता है। छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, जानलेवा बीमारियां आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे गर्भ में ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, हमारे अंदर प्रश्न आता है प्रभु उसने क्या किया, वो तो मासूम है, ऐसा क्यों होने दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न जब छोटे छोटे बच्चों के साथ, प्री मैच्योर डेथ बोलते हैं ना जिसको, कि उम्र से पहले ही जिसका मौत हो जाता है, तो हमारे अंदर प्रश्न आता है क्यों। तीसरा प्रश्न हमारे अंदर ये आता है कि परमेश्वर तू जानता है कि इस दुनिया में दुष्ट लोग हैं, दुष्ट शैतान जो है वो दुष्टता करवा रहा है लोगों के साथ, तो तू इन दुष्ट लोगों के मन को परिवर्तन क्यों नहीं करता। तुझे पता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, जाकर गोलीबारी करके सबको मार देने वाले हैं, ये लोग जो है रायट्स क्रिएट करने वाले हैं, दंगा फसाद करके बहुत सारे लोगों का इसमें खून बहने वाला है, मासूम लोग मारे जाने वाले हैं, तो ये लोगों के मन को तो बदलता क्यों नहीं है परमेश्वर, इन लोगों का मन परिवर्तन क्यों नहीं होता। तुझे पता है ना कि ये लोग हानि करने वाले हैं, ये लोग दुष्टता करने वाले हैं, तो तू इनको बदलता क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रभु अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। कई बार हम कई लोगों को देखते हैं जिनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, जो हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हैं, जो बहुत अभिषिक्त होते हैं, अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो हमारे अंदर प्रश्न पड़ता है प्रभु इतने सारे लोग हैं जो बुराई कर रहे हैं, उनके ऊपर विपत्ति नहीं आती, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। क्या यहाँ पे कोई रिलेट कर सकता है मैं जो बोल रही हूँ? कभी आते हैं आपको प्रश्न? हाँ, कहीं ये एकदम कॉमन है, प्रभु अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में एक कॉमन सवाल लोगों के मन में ये उठता है कि प्रभु ये जो युद्ध होते हैं दुनिया में, युद्ध में जो है, युद्ध तो देशों के बीच में होता है, लेकिन मारे जाने वाले कौन हैं? मासूम लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, तो ये युद्ध तो रोकता क्यों नहीं है। कितने ही जगह पे बाढ़ आ जाती है और कई घर जो है बिखर जाते हैं, बह जाते हैं, कई लोगों का मौत हो, सुनामी आ जाता है, कई लोगों का मौत होता है, उसमें सब पापी है क्या? नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें बह जाते हैं, पूरा घर बह जाता है। कई देशों में जो है अकाल है, खाने को नहीं है, बराबर भोजन लोगों को नहीं मिलता है, और उसकी वजह से मौत हो जाती है, बीमारियां आ जाती है, तो हमारा प्रश्न ये है प्रभु ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो क्यों रोकता नहीं है। और होता क्या है जब हमको इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो कई लोग जो है वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, वो हार जाते हैं, उनका वो लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर है भी, परमेश्वर अगर परमेश्वर है तो ये क्यों रोक नहीं रहे हैं परमेश्वर, अगर परमेश्वर है, थैंक यू ब्रदर, अगर परमेश्वर है तो ये सारी चीजें रोक क्यों नहीं रहा, अगर परमेश्वर प्रेमी है तो वो ऐसे भयानक चीज लोगों के जीवन में होने क्यों देते हैं। ऐसे कई प्रकार के सवाल हमारे जिंदगी में आते हैं, और लोगों को जो है
इन सवालों का जब जवाब नहीं मिलता, कोई तसल्ली नहीं मिलती, सांत्वना नहीं मिलता, उत्तर, क्योंकि हमारा जो ये भेजा है ना, इसको सब लॉजिकल चाहिए. लॉजिकल, लॉजिकल मतलब क्या? 1+1=2, तो ये 2 ही होना चाहिए. मतलब हम सब चीज़ों को कैसा देखते हैं, इसका उत्तर मिलना ही चाहिए, ये चीज़ का उत्तर मिलना ही चाहिए, ठीक है. लेकिन हमारा विश्वास, हमारी विश्वासी ज़िंदगी, हमारा भरोसा जो हम परमेश्वर पर कहते हैं, करते हैं, वो हमेशा लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है. अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है हमारा विश्वास. हालेलुया. लेकिन कई बार इन वाइज, इन क्यों के जवाब, सवालों के जवाब हमको ना मिलने के कारण हमारा विश्वास या तो कम हो जाता है, या तो हम पीछे हट जाते हैं परमेश्वर को ही छोड़कर. कई लोग नास्तिक बन जाते हैं, कई लोग एग्नोस्टिक्स बन जाते हैं. एग्नोस्टिक्स मतलब वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये परमेश्वर के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते. समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर वॉइस का जवाब हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम, हमारा परमेश्वर, हमने शुरुआत कैसे किया कि वो भला है. इज़राइल के लिए परमेश्वर भला है, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है. तो ये हमारे जीवन का बेसिक फाउंडेशन होना है, जो हमारे जीवन का बुनियाद होना है कि मेरा परमेश्वर भला है. ओके, अब हम बाइबल में कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे. ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने नहीं आई हूँ कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है. इसके सवालों का जवाब यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजंस देने के लिए मैं नहीं आई हूँ, परंतु बाइबल में से कुछ घटनाओं को हम देख सकते हैं और हम कुछ समझ सकते हैं. लेकिन यहाँ आज मैं यही आपको बताने के लिए आई हूँ कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए. तुम्हारे सवालों का जवाब मिलता है तो प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी तुम्हारे सवालों का जवाब ना मिले तो भी वो प्रभु ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता. तुम्हारी परिस्थितियों के साथ तुम उसको तुलना नहीं कर सकते कि मेरी परिस्थिति में ऐसा हुआ तो परमेश्वर बदल गया. अभी तक वो भला था, जब तक सब भलाई हो रहा था वो भला था, लेकिन अब मेरे जिंदगी में जब बुराई हुआ तो वो बदल गया. नहीं, वचन कहता है वो न बदलने वाला परमेश्वर है. ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर. वो कल, आज और युगान युग समान परमेश्वर है. हालेलुया. वो हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, परंतु वो बदलने वाला, उसका प्यार बदलने वाला नहीं है. हालेलुया. अब बाइबल में एक व्यक्ति है अय्यूब के नाम से, हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है. अय्यूब जो है, अगर हम उसके पुस्तक को निकालेंगे तो हमको पता चलता है कि एक ही दिन में उसका सारा संसार, जैसे मानो कि उसका पूरा वर्ल्ड ये हो गया, स्वेप्ट अवे, उसका पूरा संसार जो है वो बिखर गया है ना. पढ़ेंगे हम लोग 13 वचन से, अय्यूब का लिखा हुआ 1 अध्याय 13 वचन से. एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे. तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. आगे वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ. वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए
और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियाँ बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवान ऊपर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। आगे तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग वचन में क्या देखते हैं कि देखो बार बार एक वचन आ रहा है, वो बस ऐसे कहे, एक जो सेवक आया और ये कह ही रहा था, दूसरे ने बैड न्यूज लेके आया, वो कह ही रहा था, तीसरे ने बैड न्यूज लेके आया, यानी फटाफट उसके सब गाय बैल भेड़ बकरियां, यानी उसकी संपत्ति, उस जमाने में संपत्ति यही था। आज हम लोग बैंक बैलेंस देखते हैं, गाड़ी मकान देखते हैं, लेकिन उस समय में उनकी संपत्ति गाय बैल भेड़ बकरियां जितनी होती उतनी, यानी एक ही समय में सब कुछ क्या हो रहा है, सफाचट। और उतना ही नहीं, लास्ट में मैसेंजर आके बता रहा है कि तेरे जो 10 बच्चे थे वो लोग भी क्या हो गए हैं, मर गए। तो इतना दुख, 20वें वचन में लिखा है कि अय्यूब जो है वो दुख से भरकर अपने बागा को फाड़ा, अपने सर पर उसने एशेस डाले और वो क्या कहने लगा, वो परमेश्वर को कहने लगा कि परमेश्वर ने मुझे ये सब दिया था, क्योंकि अय्यूब उस समय का सबसे वेल्दी अर्थात सबसे धनी, सबसे पैसे वाला व्यक्ति था और बहुत जाना माना व्यक्ति था, सारे लोग उसको जानते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन था, ठीक है। लेकिन उसने सब कुछ अपना खो दिया और वो कहता है परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया था, परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड करके वो कहता है। बस इतना कम नहीं हुआ, फिर अगर आप दूसरे वचन में, दूसरे अध्याय में आप देखोगे तो ये देखो 7वें वचन से पढ़िए, दूसरा अध्याय 7वां वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। हाँ, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री बस यानी ये सब कम था कि उसके शरीर के ऊपर भी क्या हो गया, हमला हो गया, यानी उसकी सेहत भी क्या हो गई, बिगड़ गई, उसको पूरे सर से लेकर पैर तक फोड़े आ गए, यानी उसके जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक तकलीफ आ रहा है। और ऐसे तकलीफ में उसको मिलने के लिए उसके दोस्त आ जाते हैं, और उसके दोस्त जब उसको मिलने के लिए आते हैं, वचन में ऐसे लिखा गया है कि वो लोग तुरंत उसको घेर लिए। देखो, जब मैं, हम चार लोग थे कार में, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दो बच्चे, लेकिन मैं अकेली बच गई और मेरे परिवार के तीन जन गुजर गए। लेकिन जब मैं बची और जब मुझे ये सारी घटनाएं, शुरुआत में तो मुझे कुछ बताया नहीं गया क्योंकि मेरी खुद की परिस्थिति बहुत गंभीर थी, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं, मुझे इंटरनल इंजरीज, यानी जो अंदर स्प्लीन होता है, लिवर होता है, उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका हालत बहुत ख़राब है, अगर अभी इनको कुछ बताया जाए तो शायद कोमा में जा सकती है या फिर कुछ भी इनके सर में कुछ असर हो सकता है, तो इसीलिए मुझे कुछ बताया नहीं गया था, मुझसे ये सारी बातें छुपाई गई थी, मेरे परिवार, मेरे ससुराल वाले लोगों को मुझसे मिलने नहीं दिया गया था, सिर्फ मेरे जो भाई बहन हैं वो लोग ही मेरे पास आते जाते रहे थे। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला, जब मुझे वसई के जनसेवा हॉस्पिटल से नायर हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है वहाँ पर शिफ्ट किया गया, तो उस दिन मेरी बड़ी बहन जो है डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, और बात करते समय मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नहीं हैं। तो उस समय में मेरा दुख शायद आप समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। देखो,
हम बोलते हैं कि सिस्टर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सबका अपना दुख होता है। जो दुख आपका है शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी, और जो दुख मेरा है शायद आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय में पूरे भारत का मैं कह सकती हूँ, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो लोग मेरे आसपास थे सब लोग मुझे बता रहे थे, पूरा भारत मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था। कितना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रदरली लव। बाइबल में लिखा है हाउ गुड एंड हाउ प्लेजेंट इट इज फॉर ब्रदरिन टू ड्वेल टुगेदर। ये हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, कितना अच्छी बात है, कितनी भली बात है जब भाई बहन सब मिलकर रहते हैं। यानी हर कलीसिया बॉम्बे और विशेषकर जो वसई विरार साइड की जो कलीसियाएं हैं, सारी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरे लिए आर्थिक मदद भेज रही थी, लोग आकर मुझे मिलने लगे। जैसे अय्यूब के पास हम देखते हैं कि उसके दुख में उसके दोस्त तुरंत आकर उसको क्या कर लिए, घेर लिए, ताकि वो अपने दुख में कमजोर ना पड़े। हालेलुया। कलीसिया देखिए, हम अपने ही बारे में सोचते ना रहें, मेरा ही दुख बड़ा है, मेरा ही तकलीफ बड़ा है। नहीं, परमेश्वर का प्रेम इसमें दिखाई देता है कि जब सामने वाला दुखी हो तो हम तुरंत तत्पर रहें कि हम उसके दुखों में उसको घेर लें। हालेलुया। आपको क्या करना है, उनके दुखों में उनको सांत्वना देना है, ताकि वो अपने दुख में पीछे ना हटे, ताकि वो अपने दुख में कहीं बिखर ना जाए। हालेलुया। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी कलीसिया है जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया है, जिन्होंने मेरे लिए मदद किया है, जो मेरे लिए सब, और इससे बड़ी चीज़ है क्या दुनिया में? हाँ, हालेलुया। देखो इतना सारा घटना हुआ, इतने सारे ऑपरेशंस के थ्रू मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे ऊपर एक रुपया का कर्जा परमेश्वर ने होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतने भाई बहन दिए, इतने माता पिता दिए, इतने बच्चे दिए, जो आकर मुझे मेरे दुख के समय में घेर लिए, मुझे आर्थिक मदद किया, प्रार्थनाओं से मदद किया, मेरे साथ बैठकर आंसू बहाने वाले मिले, मुझे सांत्वना देने वाले मिले। अय्यूब के साथ उसके तीन दोस्त तुरंत आकर उसको क्या, ये है मसीही प्रेम, ये है यीशु मसीहा का प्रेम। तुम मेरे चेले हो कैसे जानोगे, जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। हालेलुया। हम मसीही लोग, हम मसीही कलीसिया प्रेम बांटने वाले लोग हैं, चाहे कुछ मिले ना मिले, प्रेम तो हम दे ही सकते हैं। हालेलुया। अय्यूब के तीन दोस्त उसके साथ आकर उसको घेर लिए उसके दुख के समय में, और अय्यूब के तीन दोस्त 7 दिन तक अय्यूब कुछ नहीं बोला। वचन में लिखा हुआ है 7 दिन तक अय्यूब चुपचाप बैठा रहा और उसके दोस्त भी उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इसका दुख बहुत बड़ा है। ये देखिए वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 13 वचन पढ़िए। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उसे एक भी बात न कही। उनको पता था इसका दुख बड़ा है, उन्होंने उसको कोई सवाल जवाब नहीं किया, उन्होंने उसको कुछ पूछा नहीं। दुख के समय में ये जरूरी है कि आप उस इंसान के, इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि जो शोक मनाते हैं उनके साथ हम भी शोक मनाएं। हालेलुया। ये नहीं कि जाके हम उसके साथ फटाफट बातें करने लगे, बहुत कुछ सवाल प्रश्न करने लगे, उसको और कंफ्यूजन में हम डालने लगे, ऐसा नहीं है। हम उसके साथ बैठकर क्या करें, उसके दुख में हम शामिल हो जाएं। यही मेरे साथ हुआ, कई लोग मेरे साथ आए, मेरे दुख के समय में मुझे घेर लिए और मसीह का प्रेम बांटा, और इसीलिए मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, वरना इतनी बड़ी आंधी और इतने बड़े तूफान के बाद खड़े रहना मुश्किल है। मुझे ये घटना होकर अब सिर्फ 5 महीने हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स जो है, मैं खुद डॉक्टर से जब मैं बातें करने लगती थी, मैं खुद डॉक्टर को पूछती थी कि कब मैं उठकर बैठ पाऊंगी, कब मैं चल पाऊंगी, मेरा ये हालत कब तक, मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। मुझे ऐसे बताया गया था कि मेरे पति और मेरे बच्चे भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, तो मेरे अंदर एक ये था कि मैं जल्द से ठीक हो जाऊं,
मैं उनको देखूं। तो मैं डॉक्टर से हर दिन सवाल करती थी कि मैं मुझे ये दर्द कब चला जाएगा। मुझे खुद से उठकर बैठने नहीं होता था, मुझे उठाकर बिठाना पड़ता था और पीछे ऐसे पकड़ना पड़ता था। अगर कोई नहीं पकड़े तो मैं नीचे गिर जाती थी। तो मैं डॉक्टर से जब पूछती थी, डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर थी डॉक्टर हमारे वसई हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये जो लीवर है उसको फूलने के लिए, तुम्हारे लीवर का चोट ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। अब 5 महीना हुआ है और मैं चल फिर रही हूँ, उठकर खड़ी हूँ, बातें कर रही हूँ, हालेलुया। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज दिया था लीवर को, क्योंकि लीवर जब पूरा ऐसे हो जाता है तो उसको फिर से फुलाने के लिए वो लोग मुंह से कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा दुख ही इतना बड़ा था कि मैं क्या एक्सरसाइज करूँगी, इसलिए मैंने एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा किया नहीं। लेकिन जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो सारी कलीसिया मेरे लिए कुछ कर रहा था, मसीही भाई बहन मेरे लिए कुछ कर रहे थे, और उनकी प्रार्थनाओं से मेरा अंदरूनी जो जख्म है वो जल्द से जल्द रिकवर हो गया। 6 महीने के पहले मुझे सांस ही लेने में नहीं परंतु चल फिर कर बोलने में भी परमेश्वर ने क्या किया है, मदद किया है, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अय्यूब के दोस्त उसके साथ आकर बैठे, उसके साथ शोक करने लगे, उसको तसल्ली देने लगे, कुछ नहीं बोले वो लोग, उसके दुख में सिर्फ शामिल हुए। लेकिन थोड़ा सा स्टोरी में क्या होता है, वहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। अगर 3 अध्याय में हम लोग देखेंगे, 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ो। इसके बाद अय्यूब मुँह खोल कर अपने जन्म दिवस को धिकारने और कहने लगा। बस इसके बाद अय्यूब ने मुँह, अय्यूब ने मुंह खोल दिया। और मुंह खोलते ही उसके पास सवाल शुरू हो गए। कैसे कैसे सवाल शुरू हो, 11-12 पढ़िए। मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, मैं क्यों जिंदा हूं, मैं गर्भ ही में क्यों नहीं मर गया, पेट से निकलने ही मेरा प्राण क्यों ना छूटा, क्यों मैं मेरे माँ के पेट से निकलने से पहले ही क्यों नहीं मर गया, मैं घुटनों पर क्यों लिया गया, मैं छातियों को क्यों पीने पाया, ऐसा ना होता तो मैं चुपचाप पड़ा रहता, मैं सोता रहता और विश्राम करता। मतलब देखो उसका क्यों शुरू हो गया, इतना सारा चीज मेरे जिंदगी में हो गया तो मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ। उसी दिन अगर ये नौबत देखने से अच्छा, उसी दिन अगर मैं जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मर जाता तो कितना अच्छा था। उसके अंदर सवाल उठने लगे, उसने अपने मुंह को खोलकर शुरू कर दिया, क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ वो होना चाहिए था। उसके सवाल जवाब जब शुरू हुए तो फिर बाद में हम लोग 4 अध्याय से देखते हैं कि उसके दोस्तों ने भी मुँह खोलना शुरू कर दिया। जब तक अय्यूब का मुंह बंद था उसके दोस्तों का मुंह भी बंद था, जब अय्यूब का मुंह खुला तो उसके दोस्तों का भी मुंह खुल गया और उसके दोस्त बोलने लगे, जरूर तूने कुछ पाप किया होगा, जरूर कोई छुपा हुआ पाप तेरे अंदर है, जरूर तूने बहुत, तू सेल्फिश होगा, तू गरीबों को मदद नहीं करता था, तू इतना धनी हो के शायद तूने गरीबों की गरीबी में उनको मदद नहीं किया होगा, कुछ तो गुप्त पाप तेरे अंदर जरूर होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है, या फिर तू बहुत घमंडी है, तेरे अंदर बहुत घमंड है, प्रभु तुझे नम्र करने के लिए ऐसे परिस्थितियों को तेरे जीवन में लाया है। क्योंकि जब मैंने आपको कहा ना कि हर एक इंसान को क्यों का जवाब चाहिए, जब जवाब देने वाला जवाब नहीं दे पाता कि उसके जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ है तो दूसरे लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसके जिंदगी में ऐसा इसलिए हुआ होगा। हालेलुया, शायद ये इसके जैसा बड़ा पापी कोई दुनिया में ही नहीं है, शायद ये बहुत वेल्दी है ना, बहुत धनी है और इसने गरीबों को कभी माना नहीं होगा, गरीबों को मदद नहीं किया होगा शायद, या फिर हो सकता है ये बहुत जाना माना है, लोग चलते फिरते इसको बहुत मानते हैं, तो इसके अंदर घमंड आ गया होगा, तो प्रभु इसको क्या कर रहा है, नम्र कर रहा है।
हर एक लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सवाल का कुछ ना कुछ जवाब देना चाहते हैं। लेकिन अय्यूब को भी नहीं पता था और अय्यूब के दोस्तों को भी नहीं पता था कि ये सब बातें क्यों हो रही है। उसके दोस्त अंदाजा लगाते जा रहे थे और अय्यूब अपना सवाल करते जा रहा था। अगर आप अय्यूब के किताब को कभी जाके अच्छे से पूरा किताब पढ़ लेना, 38 चैप्टर्स के बाद परमेश्वर भी अपना मुंह जब खोलने लगता है तो परमेश्वर अय्यूब को बहुत सारे सवाल करने लगता है। और परमेश्वर जब सवाल करने लगता है तो परमेश्वर के सवालों का जवाब अय्यूब के पास भी नहीं है। परमेश्वर उसको बोलता है, तू कौन होता है मुझे सवाल करने वाला? क्या तूने समुद्रों को देखा है? समुद्रों का जो क्या बोलते हैं बाउंड्री, सीमाओं को तूने बनाया है? क्या समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े जो जंतु है, बड़े बड़े जो मछलियां हैं, उनको कंट्रोल तू करता है? तुझे पता है क्या बादल में कितना बारिश बसा हुआ है? बारिश कैसे आता है तुझे कुछ पता है? ये पूरे भूमि को मैंने कुछ भी नहीं ऐसे चीज पे लटका दिया है, तुझे पता है मैंने ये काम कैसे किया? और अय्यूब जब परमेश्वर उसको, आप पढ़ेंगे ना आप खुद ये हैरान हो जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर को हम क्या सवाल करें। परमेश्वर के एक सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते तो हम कौन होते हैं उसकी बुद्धि को सवाल करने वाले, उसको उल्टा हम पूछने वाले। परमेश्वर बोलता है, तुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों होने दे रहा हूँ। तो तब अय्यूब क्या करता है पता है आखिर में, हे परमेश्वर मैंने तुझसे सवाल किया, मुझे क्षमा कर। अगर हम देखेंगे ना एंड चैप्टर्स में, देखिए फोर्टी टू अध्याय को देखिए, पहले वचन से पढ़िए, 42 का पहले से 6 तक पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे प्रश्न कर रहा था, लेकिन अब मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू भी मुझे उत्तर दे। बता बादल में कितना बारिश बसा हुआ है, बता। और बहुत सारे क्वेश्चंस को परमेश्वर कहते हैं, उनका उत्तर तू मुझे दे। जब अय्यूब एक भी उत्तर नहीं दे पा रहा है, तब एंड में उसने क्या कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, हाँ, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अब मैं धूल और राख में क्या करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। मेरे बाइबल में लिखा गया है, आई टेक बैक एवरीथिंग आई सेड, जो भी मैंने कहा है उन बातों को मैं क्या करता हूँ, वापस ले लेता हूँ। मैंने तुझसे प्रश्न किए, उन बातों को मैं वापस ले लेता हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ। क्या तुमने अपनी परिस्थितियों में कभी परमेश्वर को सवाल किए हैं, परमेश्वर की भलाई के ऊपर सवाल किया है, परमेश्वर जो कर रहा है उसके ऊपर तुमने सवाल उठाया है, उसकी बुद्धि को हमने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है? तो परमेश्वर बोलता है, आज ये समय है कि हम उसके लिए क्या करें, पश्चाताप करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है जो उसकी बुद्धि को समझ पाए। हमको जो समझ में आता है उसको हम पकड़े रहें। क्या समझ में आता है? कि वो भला है, हालेलुया। तो उस चीज को हम क्यों नहीं पकड़े रहे? जो नहीं समझ में आता है उसको लेकर हम उससे दूर होने के बजाय, जो हमारे समझ में आ रहा है उस चीज के ऊपर मनन करते हुए, उसी चीज को पकड़े हुए हम अपने विश्वास में क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 13:7 पढ़ो, यूहन्ना 13:7। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ,
जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इनके बाद समझेगा। जो मैं करता हूँ तू उसे अभी समझता नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब तू सारी बातों को समझने पाएगा। जैसे ही अय्यूब ने पश्चाताप किया, तुरंत परमेश्वर ने उसको सारी बातें समझने के लिए बुद्धि खोल दी। हालेलुया। देखो अय्यूब की किताब जिसने लिखी है, बहुत लोग ये मानते हैं कि अय्यूब की किताब मूसा ने लिखी है, ठीक है, तो मूसा को पहले से ही, अगर मूसा ने ही लिखा है, ठीक है, तो उसको पहले से ही पता है कि ये अय्यूब के साथ क्यों हो रहा है ना। पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में शैतान परमेश्वर के पास आता है और चैलेंज करता है कि देख अय्यूब के साथ ऐसा ऐसा होगा तो वो तुझे छोड़ देगा। लेकिन अय्यूब को खुद को नहीं पता कि उसकी परीक्षा ली जा रही है, या फिर अय्यूब के दोस्तों को पता नहीं कि उसके विरोध में स्वर्गीय स्थान में कुछ तो, स्वर्ग के कोर्टरूम में, स्वर्ग के न्यायालय में परमेश्वर को, अय्यूब को लेकर चैलेंज दिया गया है। ना उसके दोस्तों को पता था, ना अय्यूब को पता था, लेकिन अंत अंत में अय्यूब को भी पता चल गया और इसीलिए उसने क्या किया, पश्चाताप किया। हालेलुया। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने सारी चीजों की भरपाई करके दे दी। हालेलुया। हम परमेश्वर के आगे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर भला है, वो कहता है कि मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए भली है और तुम्हारे हानि के लिए कभी नहीं है, तुम्हारे कुशल ही के लिए है, तो वो मेरे कुशल ही के लिए है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास, जिनके मीटिंग्स में बहुत सारे लोग आते थे और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो ये परमेश्वर के दास एक दिन बिली ग्राहम नामक दूसरे परमेश्वर के दास से मिले और बातें करने लगे। और फिर वो परमेश्वर के बारे में, बाइबल में लिखी हुई कुछ बातों के बारे में, बिली ग्राहम जो परमेश्वर के दूसरे बड़े दास है उनसे बातें करने लगे। उस समय बिली ग्राहम से भी ऊंचे स्थान पर ये परमेश्वर के दास थे और वो बिली ग्राहम से सवाल करने लगे कि मुझे बाइबल में बहुत सारे प्रश्न हैं और उनका उत्तर मुझे मिलता नहीं है। यह है कि बाइबल में लिखा गया है कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे इसको साबित करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो बिली ग्राहम जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा कि देखो बाइबल में ये बात लिखी है कि 6 दिन में सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, मतलब बनाई फिनिश्ड। उसको मुझे अपने बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए उसके ऊपर खोज करने की जरूरत नहीं है। मैं बाइबल जब पढ़ता हूं तो आई टेक इट लिटरली एज इट इज, अर्थात मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, बिली ग्राहम अंकल ने कहा, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं बाइबल में जो लिखी बातें हैं जैसा है वैसे उसको लेकर चलता हूँ। हालेलुया। अगर 6 दिन में सृष्टि बनी है तो 6 दिन में सृष्टि बनी है। अगर तुम्हारा साइंस तुमको वो साबित करने के लिए नहीं ये कर रहा है, सबूत नहीं मिल रहा है, तो हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल में जो लिखा है बस उसके आगे मुझे कुछ सोचना नहीं है। हालेलुया। और आपको पता है ये जो परमेश्वर के बड़े दास है वो आखिर में एग्नोस्टिक बन गए। वो आखिर में परमेश्वर को, वो इतना विश्वास करते थे परमेश्वर भला है, लेकिन उन्होंने सेवकाई छोड़ दी, वो पीछे हट गए। लेकिन बिली ग्राहम जो परमेश्वर के बड़े दास, जिन्होंने कहा कि बाइबल को मैं जैसा है वैसे ही लेता हूँ, वो अंत तक सेवकाई करते करते परमेश्वर के साथ एक हो गए। हालेलुया। बहुत ज़्यादा उम्र तक उन्होंने जीवन जिया और परमेश्वर की सेवा की और वो उनके बच्चे आज सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक लेगेसी उन्होंने छोड़ कर गए हैं क्योंकि उन्होंने शक नहीं किया, डाउट्स नहीं किए, ऐसा क्यों करके उन्होंने वचन के खिलाफ में कभी प्रश्न उठाया नहीं, जो लिखा है सो उन्होंने ले लिया। हालेलुया। वही हमको लेना है। वचन कहता है ना, हमारा परमेश्वर भला है, बस भला है। अगर लोग आकर तुमको पूछेंगे अरे तुम्हारे जिंदगी में ऐसा हुआ है, क्या भलाई है उसमें, नहीं वचन में लिखा है भला है तो भला है बस।
आज मुझे शायद उसका जवाब देने के लिए मैं शायद लोगों के सामने चुप्पी, मेरी मुंह बंद हो जाएगी, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि मेरा परमेश्वर भला है. That's it. I don't want to go beyond that. और मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला ही उत्पन्न करता है. अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, तो हमारे जीवन में वो सिर्फ भलाई ही को उत्पन्न करेगा. बहुत सारी कहानियां हैं, अभी हम जल्दी से चलते हैं. एक स्टोरी को हम देखेंगे दाऊद के बारे में, ठीक है. पहला शमूएल उसके 30 अध्याय को. Pastor, how much time I have? Okay. पहला शमूएल 30वां अध्याय चौथा वचन 16 वचन चौथा वचन से हम पढ़ेंगे. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति न रही. ओके. देखो यहाँ पर मैं आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बता देती हूँ. दाऊद जो है वो शाऊल राजा दाऊद को मारना चाहता था, इसीलिए दाऊद शाऊल राजा से भागकर पलिश्ती देश में आकर बस गया, ठीक है. और पलिश्तियों ने दाऊद को एक नगर दिया जिसका नाम था सिकलग. इंग्लिश में जिकलग है और हिंदी में सिकलग करके उसे कहा जाता है. तो दाऊद जो है अपने लोगों के साथ, बीवी बाल बच्चों के साथ, और जो 600 लोग उसको मिले थे, वो पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं घर पे जाके, लेकिन वो जिकलग नाम के जो शहर में, नगर में जो है वो बसता था. आज भी वो दाऊद के ही शहर के नाम, नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है. तो पलिश्तियों के साथ दाऊद जो है उनको लड़ाई करने के लिए वो पलिश्तियों के साथ गया हुआ था, लेकिन पलिश्ती जो है वो दाऊद से डरते थे. भले ही वो पलिश्तियों के देश में रह रहा था, पलिश्ती राजा के साथ वो मिल चुका था, वहाँ पे वो रह रहा था, लेकिन पलिश्तियों के मन में हमेशा डर रहता था कि ये दाऊद इतना स्ट्रांग है, ये इतना अच्छा वॉरियर है, इतना अच्छा योद्धा है, अगर ये हमारे ऊपर पलट जाए तो हम लोग बचेंगे नहीं. ये दाऊद इतना स्ट्रांग है कि वो हमको हरा कर हमारे पलिश्ती देश को क्या कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है. इसीलिए वहाँ के लोगों ने राजा से कहा, हे राजा, दाऊद को अपने साथ मिलने मत देना, अपने साथ लड़ाई में आने मत देना, किसी दिन अगर वो उल्टा हो गया तो हम लोग हार जाएंगे और हमको उसका गुलाम बन जाना पड़ेगा. लेकिन दाऊद के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो शाऊल से भाग कर यहाँ पर आया हुआ था और वो यहाँ पर बसा हुआ था. लेकिन कहने की बात यह है कि जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उससे हमेशा दुश्मन डरते हैं. हालेलुया. दुश्मन हमेशा उससे डरते हैं. दुश्मन को ये डर रहता है कि ये मेरे राज्य को क्या कर देगा, पलटा देगा. और इसीलिए यहाँ पर दाऊद को क्या कहा गया कि तू हमारे साथ लड़ाई के लिए मत आ, तू वापस से लौट जा. और दाऊद वहाँ पर एक प्रश्न करता है. देखिए 29 अध्याय का 8वां वचन पढ़िए. 29 अध्याय का 8वां वचन. दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया है कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने ना पाऊँ. दाऊद बहुत निराश हो गया. दाऊद को ये लगने लगा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे तू भी क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया. लेकिन दाऊद को ये पता नहीं था कि वो लोग मुझसे डर रहे हैं. समझ में आ रहा है. कभी कभी हमको रिजेक्ट किया जाता है, हमको धिक्कार दिया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि दुश्मन हमसे डरता है, ठीक है. तो ये अलग पॉइंट है, पर अब हम चलते हैं. दाऊद को वापस भेज दिया गया और दाऊद वापस अपने नगर में लौट कर आ गया. जब वो नगर में लौट कर आ गया तो उसने वहाँ पर जो देखा, हमने चौथा वचन पढ़ा ना कि वो लोग इतना रोने लगे कि उनके अंदर रोने की ताकत ही नहीं रही. तो ऐसा क्या देखा, 30वां अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे.
तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। जब वो अपने नगर में फिर पहुंचा, पूरा नगर जलाकर क्या कर दिया गया था, राख कर दिया गया था। और उसके उसके खुद के नहीं, परंतु जितने भी लोग थे, दाऊद के लोग, इजरायली लोग जितने थे, सारे लोगों को क्या कर दिया गया, बंदी बनाकर वो लोग लेकर गए। उनके बीवियों को, उनके बाल बच्चों को और उनके जो भी चीज़ें थी वो सबको ले गए और पूरे नगर को लोगों ने क्या किया था, जलाकर राख कर दिया था। यानी वो दोनों तरफ से क्या हुआ है, टूटा हुआ है। वहाँ देखेंगे तो राजा ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तू हमारे साथ लड़ाई के लिए मत आ, जबकि उसकी कोई गलती वहां पर थी नहीं। और यहां आकर देखेंगे तो उसका पूरा जिंदगी, बोलो, है ना, सब कुछ जलकर क्या हो गया है, राख हो चुका है। और इसीलिए चौथे वचन में लिखा गया है, हाँ चौथा वचन पढ़ो। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उसमें रोने की शक्ति ना रही। इतना रोए कि रोने की शक्ति ना थी। कभी हमारे जिंदगी में ऐसा हुआ है, आप इतना रोए हो कि तुम्हारे अंदर रोने की शक्ति ही नहीं बची है। हमारी परिस्थिति अलग है, दाऊद की परिस्थिति अलग है, लेकिन ये समय हर एक के जिंदगी में आता है। कभी ना कभी हम इतने तकलीफ से, इतने पीड़ा से गुजरते हैं, शायद दूसरे लोग हमारी आंसू को, हम कलीसिया में आते हैं तो शायद हमारी आंसुओं को कोई देख नहीं पाता, लेकिन हम अकेले में भी रोते हैं, अकेले में भी हम बहुत पीड़ा में रहते हैं, इतना हम तकलीफ में रहते हैं कि हमारे अंदर बोलते हैं ना, मेरे आंसू ही सूख गए हैं, अब मुझे रोना भी नहीं आ रहा, इतना मैं दुख से पीड़ित हूँ। ठीक है, अब छठे वचन में देखो क्या हुआ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद, देखो हर चारों तरफ से संकट है, चारों तरफ। एक तो राजा ने वापस भेज दिया, रिजेक्ट कर दिया, दूसरा पूरा नगर जला हुआ है, बीवी बच्चे दूसरे लोगों के, सारा शहर जो है वो बर्बाद हो गया है। उतना ही नहीं, जो उसके लोग, जो उसके साथी, पता है जो उसके साथ लोग थे ना, वो सारे कमजोर लोग थे जिनको दाऊद ने हिम्मत दिया था, वो सारे लोग जो है बहुत ही कमजोरी, अलग अलग प्रकार के पीड़ाओं में, अलग अलग प्रकार के दुखों में फंसे हुए थे, लेकिन दाऊद के पास वो लोग आए और दाऊद ने उनको अपना क्या बना लिया, अपना वॉरियर बना लिया, उनको हिम्मत दिया, उनको वापस उसने खड़ा किया। अब यही लोग जब उनके बीवी बच्चों को उठाकर ले गए तो वो दाऊद को क्या करने लगे, मारने का प्लान बनाने लगे कि दाऊद को हम क्या करेंगे, पत्थर मार के इसको मार डालेंगे। यानी दाऊद हर तरफ से क्या है, पीड़ित है, हर तरफ से तकलीफ में है, हर तरफ से संकट में है, तो उसको क्या करना चाहिए। जब हम हर तरफ से घेरे जाते हैं, परिवार के अंदर आओ तो तुमको रोना धोना है, दफ्तर में जाओ तो वहां पर तकलीफ है, सारे लोग तुम्हारे विरोध में, तुम अच्छा करने जाओ तो तुम्हारे विरोध में लोग हो जाते हैं, हर तरफ से जब हम दुख में, तकलीफ से घेरे जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्या हो, क्या करना है, लेकिन आज हमको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। उसी वचन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। But David found strength in the Lord his God. Hallelujah. हम जो है अपना बल जो है लोगों के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम तकलीफ में आते हैं तो दूसरों के पास हमारे, हम अपने आप को सांत्वना लेने की कोशिश करते हैं। तकलीफ में आते हैं तो हम कुछ हालेलुया।
लेकिन दाऊद को पता था कि सब जगह से मैं फंसा हुआ हूँ, जो मेरे अपने हैं वही मुझे मारने के पीछे पड़े हैं, राजा के पास मैं नहीं जा सकता और मेरे पास कोई खुद की भी कुछ चीज़ है, मैं अंदर से भी तकलीफ में हूँ, मैं बाहर से भी तकलीफ से घेरा हुआ हूँ, किसके पास जाके रोऊं, किसके पास जाके मदद मांगूं, कौन मेरी सहायता करेगा। वचन कहता है दाऊद ने किसको स्मरण किया, परमेश्वर को स्मरण किया। हालेलुया। चाहे कितना भी दुख तकलीफ को संकट कुछ भी क्यों ना आए, परंतु तुमको अगर बल चाहिए उस परिस्थिति में तो तुम परमेश्वर के पास ही जाओ, क्योंकि लोग तुमको सांत्वना देंगे, तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तुमको दो बातें बोलेंगे, तुमको मदद कर देंगे, सब करेंगे, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण जो अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उसको लोग पूरा कभी बल नहीं दे पाएंगे। हालेलुया। लोगों के पास वो ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे प्राण में जो तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है, उसको उठा सके। वो केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। इसीलिए तुम चाहे कोई भी तकलीफ में हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, दाऊद के जैसा यहोवा को स्मरण करो और उसमें अपना बल ढूंढो। वो ही विल नेवर फेल यू। वो आपको कभी भी फेल करेगा नहीं। हालेलुया। आगे देखो, आगे दाऊद परमेश्वर से बातें करने लगता है। आगे पढ़िए सिस्टर, सातवां वचन। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबेतार याजक से कहा, एपोत को मेरे पास ला। तब एबेतार एपोत को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा दाऊद किसी और के पास पूछने के लिए नहीं गया कि मैं क्या करूं। दाऊद किसके पास गया? यहोवा के पास गया पूछने के लिए, क्योंकि ऐसे गंभीर परिस्थितियों में शायद लोग आपको कुछ और एडवाइस दे बैठे, शायद लोग आपको कुछ और युक्तियां सुझा दे, लेकिन परमेश्वर के पास जाइए, क्योंकि वो तुम्हारे दिन को, हर एक तुम्हारे दिन को अपने किताब में पहले से लिखा हुआ है। उसको पता है कि कल तुमको क्या करना है। हालेलुया। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है ना कि उसने मेरे हर एक दिन को अपने पुस्तकों में पहले से ही क्या कर दिया है, लिख दिया है। तुम्हारे माँ के गर्भ में आने के पहले से ही वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी को लिख कर रखा है। तो अगर तुमको मेरा जीवन, मुझे कैसे जीना है, आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, अगर पता करना है, तो जिसने लिखा है ना तुम्हारी स्टोरी, जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है, उसको जाके क्या करना है, पूछना है कि हे परमेश्वर मैं क्या करूं। और दाऊद परमेश्वर को पूछता है, क्या पूछता है, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं इस दल का पीछा करूं जिसने मेरे बीवी बच्चों को, मेरे साथियों के बीवी बच्चों को, मेरे सारी चीज़ों को बर्बाद करके उनको गुलाम बना के लेके गए हैं, क्या उसका मैं पीछा करूं? फिर क्या उसको जा पकड़ूंगा, क्या मैं उनके ऊपर हावी हो सकता हूं, क्या वो मुझे मिलेंगे, क्या मैं उनको पकड़ पाऊंगा? फिर यहोवा ने क्या उत्तर दिया? उसने उससे कहा, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा, और निसंदेह विदाउट डाउट तू सब कुछ छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। और ऐसे ही हुआ। दाऊद ने उन लोग, अमेलिकी जो लोग सारी बर्बादी करके जो चले गए थे, दाऊद उनका पीछा किया और दाऊद ने उनको पकड़ लिया, और दाऊद ने अपने बीवी बच्चे, अपने साथियों के बीवी बच्चे, जो कुछ वो गुलामी में ले गए थे, और उनके भी चीजों को क्या कर लिया, वापस से छुड़ा कर वो विजयी होकर आ गया। हालेलुया। तो आज इससे हमको क्या सीखना है, हमको भी पीछा करना है। हमारा भी किसी ने कुछ चुराया है, हमारी शांति चुराई है, हमारा आनंद चुराया है, हमारा विश्वास, हमारा जो परमेश्वर के दौड़ में हम खुशी से दौड़ रहे थे, आनंद से दौड़ रहे थे, वो आनंद, मेन थिंग इज आनंद,
हमारा जॉय, वचन क्या कहता है कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, वो आनंद को ही हमसे क्या करता है, छीन लेता है, तो ताकत अपने आप फीबल हो जाती है, ताकत अपने आप कमजोर पड़ जाती है। मेन अपना जो चुराने का उसका ये है, देह है, वो क्या है कि हमारे आनंद को वो चुराए, लेकिन वचन कहता है तू उसका पीछा कर जिसने तेरे आनंद को चुराया है। हालेलुया। दुष्ट ने, शैतान ने यदि तुम्हारे आनंद को चुराया है, तुम्हारे शांति को चुराया है, तुम्हारी खुशियों को चुराया है, आशीषों को चुराया है, परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर, उसका पीछा कर। तू उसको जरूर क्या करेगा, पकड़ लेगा, और जो कुछ उसने चुराया है वो तू छुड़ा कर ले आए। अंत तक तू यही कहना है कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। हालेलुया। हम कभी, लेकिन इसके बीच में दाऊद ने कुछ और काम किया। अब दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि ठीक है तू पीछा कर, लेकिन पीछा करूं तो कहां करूं, वो लोग तो अब निकल चुके हैं, मुझे कहां मिलेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो कहां छुपे हैं, मैं आक्रमण कैसे करूं। तो जब वो रास्ते में जा रहा था, उसको वहां पर एक कमजोर इंसान मिला, और उसको वो जैसे वो पड़ा हुआ था, उसने देखा कि ये बहुत कमज़ोर है, तो उसको उसने मदद किया। देखिए कहाँ है वो, हाँ पढ़िए। उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। हाँ, उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उससे उसे खाया, तब उसे पानी पिलाया, फिर उन्होंने उसको और अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। देखो, दाऊद खुद दुख में है, खुद बहुत तकलीफ में है, अभी उसका मन एक ही है कि मैं कब उन लोगों को पकड़ूं, कब मेरे लोगों को मैं छुड़ा कर ले आऊं। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने दूसरे एक इंसान को देखा जो दुखी था, जो बलहीन था, जो कमज़ोर था, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरा ही दुख इतना बड़ा है, मैं उसको कहाँ मदद करूं। नहीं, वो वहाँ पर रुका, उसने उसको मदद किया, उसको खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, वो इंसान को उसने क्या किया, मजबूत किया। हालेलुया। तुम जब अपने दुख में रहोगे ना, तभी ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके दुख को तुम सांत्वना दे सकते हो। हालेलुया। जब मैं सारे चीज़ों से, ऑपरेशंस से होकर मैं घर पे आई थी, ठीक है, तो मुझे फ़ोन आया बिहार से, तो एक लेडी बिहार से मुझे कॉल कर रही थी, और उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है, तो वो अपना दुख मेरे साथ बांटने लगी कि उसके घर में क्या क्या हो रहा है, उसके हस्बैंड के साथ क्या हो रहा है, उसके बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है। वो अपने दुखों को क्या करने लगी, मुझसे बांटने लगी, आप और ब्रदर मिलकर मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। उनको ये भी नहीं पता कि ब्रदर अब नहीं रहे, बच्चे अपने, वो मेरी परिस्थिति को जानती नहीं थी। तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूँ, क्या मैं उसको ये फ़ोन पे बोल दूँ कि सिस्टर तुम्हारा दुख मेरे सामने कुछ नहीं, फ़ोन रख दो, ऐसे बोलूँ क्या? नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि तुम्हारा दुख भले ही बड़ा हो, सामने वाला का दुख तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे दाऊद रुका और उस इंसान को उसने मदद किया, उस बलहीन व्यक्ति को उसने बल दिया, वैसे हमको भी रास्ते में जब हम अपने यात्रा में हैं, अपने ज़िंदगी के सफ़र में हैं, तुम्हारे लाइफ में भी कुछ लोग आएंगे जिनके तकलीफ तुम भी, तुमको आके वो बताएंगे, या फिर तुम जानते हो कि उनके ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है। कभी ये मत सोचना कि मेरा प्रॉब्लम उससे बड़ा है, वो तो कुछ भी नहीं है। नहीं, उस तुम रुको, थोड़ा दूसरे के तकलीफ़ों में भी क्या करो, रुक जाओ, उनको भी थोड़ा मदद करो, उनको भी थोड़ा हिम्मत दो, उनके लिए तुम कुछ करो। हालेलुया। और फिर हुआ क्या, दाऊद ने जब वो पूरा अच्छा बल पाया, तो उस व्यक्ति को पूछा तू कौन है, तो वो कहने लगा अरे जो अमालेकी है ना, उनमें से एक का मैं गुलाम हूँ, एक का मैं दास हूँ, मैं 3 दिन से बीमार पड़ गया था, तो वो लोगों ने सोचा कि मेरी बीमारी उनको भी फैल जाएगी, इसीलिए मुझे रास्ते पर छोड़कर वो लोग चले गए। जैसे ही उस इंसान ने कहा, वो मिस्री ने कहा कि मैं अमालेकियों का दास हूँ, तो दाऊद का ट्यूबलाइट चमक गया। अमालेकी लोगों ने ही आकर ज़िकलग को क्या किया था,
आग लगाया था, इसका मतलब ये जानता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर दाऊद को रास्ता बताने के लिए उसको छोड़कर गया है। हालेलुया। तो कभी ये ना सोचे कि मेरा दुख ही बड़ा है, हो सकता है सामने वाले के दुख के तुम भागीदार हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारे दुख का हल मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको उस मिस्री को पूछा, तू जानता है उन्होंने ये शहर किसने जलाया? हाँ, अमालेकियों ने जलाया। और तू जानता है वो लोग कहाँ गए? हाँ, मैं जानता हूँ। तो दाऊद ने पूछा, मुझे बताएगा? वो बोलता है, बताऊंगा, लेकिन एक शपथ खा कि तू मुझे मारेगा नहीं, तू मुझे छोड़ देगा। दाऊद बोलता है ठीक है, और वो बता देता है। और दाऊद फिर चला जाता है उनका पीछा करके, उनके ऊपर उनको पकड़कर, उन्होंने जो कुछ लूटा है उतना ही नहीं, उससे बढ़कर वो लेकर लौट कर आता है। हालेलुया। समस्याओं में भी कभी कभी हल परमेश्वर रख देता है। इसीलिए कभी किसी और के दुखों को भी अनदेखा ना करें, किसी और के तकलीफों को भी हम मामूली तकलीफ, मेरा ही बड़ा तकलीफ है, ऐसे कहकर हम ना चले। और हमने, मैंने भी उस सिस्टर से बातें की, उनके तकलीफों को सुना। फिर हम तीनों जो है, मेरी ननंद है, मेरे जेठ की लड़की, हम तीन साथ में रहते हैं, ये लोग मेरे साथ रहते हैं। जब से ये एक्सीडेंट हुआ, मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने मायके में जाकर रहूँगी नहीं, मैं अपने ही घर में रहूंगी। तो ये दोनों बच्चे जो है वो मेरे साथ रहने का उन्होंने निर्णय लिया है। मैं हर चीज उन्होंने मेरे लिए किया है, हर चीज, मुझे नहलाने से लेकर, मुझे वॉशरूम, मेरा वॉशरूम क्लीन करने से लेकर, हर एक चीज ये दोनों ने मेरे लिए किया। परमेश्वर ने उनको मेरे लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें, मतलब हर एक समय में परमेश्वर हमको क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। एंड आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ कि मेरे साथ वो लोग हैं। ओके, तो हम, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। तो हम तीनों जो हैं उस बहन के लिए क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे, आशा की आशा को आप पूरा कीजिए। हालेलुया। तो हम लगातार उस बहन के लिए प्रार्थना करने लगे। तो जो जो होना था उसके लाइफ में, उस दिन वो ऐसे गंभीर परिस्थिति में थी कि कुछ भी बहुत गंदा उसके साथ होने वाला था घर के अंदर, परिवार में, लेकिन हमने प्रार्थना किया। थोड़े दिन के बाद उसने बताया कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, सब कुछ शांत है। हालेलुया। और उसकी बच्ची जो है बीच में बीमार पड़ गई थी, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी भी उसने फ़ोन किया, तभी भी हमने उसके लिए प्रार्थनाएं की, और उसकी बच्ची भी अभी क्या है, अच्छी हो गई है, डिस्चार्ज होकर वो घर पे आ गई है। हालेलुया। यानी परमेश्वर हमको क्या रख, हमको क्या किया है, अपने दुखों में ही दब कर रहने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं रखा है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे दुखों में भी तुम दूसरों के लिए क्या बनो, एक हिम्मत देने वाले बनो, दूसरों के लिए हम सहायक बने। हालेलुया। जरा अपने आप से नजर हटाकर हम दूसरों की ओर भी देखने लगे। दाऊद ने वही किया और इसीलिए उसको परमेश्वर ने एक रास्ता बता दिया। हालेलुया। देखिए प्रोवर्ब्स नीति वचन का 11 में एक देखिए, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है, परंतु वह बटखरे से प्रसन्न होता है, बटखरे पूरे, फिर से पढ़िए वचन, छल से तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है, पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। ठीक है, हिंदी में उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वचन का मतलब क्या है, छल का तराजू मतलब आपको समझ में आता है, जो नहीं क्या हम लोग तराजू यूज़ करते हैं कांदा टमाटर सब वे करने के लिए, उसमें कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, छल करते हैं,
तराजू सही लोग करते नहीं हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें कर देते हैं ताकि उनका क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। कभी कभी रिक्शा में देखो मीटर में कुछ कर देते हैं ताकि उनका क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। मतलब अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा उल्टा पुल्टा काम लोग करते हैं, उसी को परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मुझे छल के तराजू से घृणा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, वो नियम से काम करता है। चाहे उसको दंड देना हो तो भी नियम से, और आशीष देना हो तो भी वो नियम के अनुसार। लेकिन शैतान जो है वो कभी कभी क्या करता है, छल करता है, वो नियम अनुसार नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि उसको ऐसे जो नियम अनुसार ना करने वाले, छल के तराजू से जो काम करते हैं, ऐसे लोगों से क्या है, घृणा है। और उसका आखिरी वचन पढ़ो, 11वां अध्याय का, परंतु वह पूरे पटखरे से प्रसन्न होता है। 11 का आखिरी वचन, 31। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हाँ, छल के तराजू को चलाने वाले लोग मिलेंगे। दुष्ट जो है वो छल करके कुछ चीजों को क्या करेगा, तुमसे छीन लेगा। दुष्ट जो है वो छल करके अन्याय से वो तुम्हारे खुशियों को, आनंद को, तुम्हारे ऊपर दुख लेकर आ सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, बिहोल्ड द राइटियस शैल बी रिकम्पेंस्ड। जो धर्मी है उनको उनका बराबर न्याय जरूर परमेश्वर दिलाएगा। हालेलुया। आज दुश्मन ने छल करके जो हमारे जिंदगी से छीना होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर धर्मी न्यायी है और वो उसको क्या करेगा, पूरा भरपाई करके देगा। हालेलुया। छल से अमालेकी है आके दाऊद के नगर को आक्रमण करके सारी चीजों को छुड़ा कर लेके गए, लेकिन परमेश्वर ने पूरा पूरा भरपाई करके उनको दे दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है कि ऐसे समय दाऊद ने क्या किया, यहोवा को स्मरण किया, यहोवा में अपने हिम्मत को उसने बांधा। दाऊद का और एक अगर हम स्टोरी देखेंगे ना, दाऊद जो है, देखिए दूसरा शमूएल का आखिरी जो अध्याय है, वहाँ पर दाऊद से गलती हो जाती है, ठीक है। गलती होने के कारण यह इसराइलियों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ जाता है। तो परमेश्वर को न्याय को रोकने के लिए दाऊद क्या करता है, एक खेत खरीद लेता है और उसमें वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए वो होम बलि अर्पण करता है। दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय और 25 वचन, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर हाँ होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनंती सुन ली, तब वह महामारी इसराइल पर से दूर हो गई। दाऊद ने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाई और महामारी इसराइलियों के ऊपर से दूर हो गई, हट गई। हालेलुया। होम बलि चढ़ाने के बाद वहां पर क्या बचता है, कोई भी चीज जलाने के बाद क्या बचता है, राख, है ना। जो भी चीज़ें जलाई जाती है उसको जलाने के बाद वहाँ पे राख बचती है। जिस स्थान में दाऊद ने होम बलि चढ़ाया, उस स्थान में दाऊद को क्या दिखाई दे रहा था, राख। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दाऊद के बेटे सुलेमान ने उसी स्थान पर मंदिर बनाया, और मंदिर का जो अति पवित्र स्थान था, जहाँ पर यहोवा निवास करता था, जहाँ पर महायाजक जाकर साल में एक बार प्रायश्चित का दिन के लिए निदान चढ़ाते थे, जहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातें करता था, अति पवित्र स्थान यानी परमेश्वर की निवास स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति। तो जिस जगह पे दाऊद ने राख देखा था, उसी जगह पर जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, तो वो जो जगह थी वहाँ पर अति पवित्र स्थान बनाया गया था, अर्थात वहाँ पर परमेश्वर निवास करते थे। इसका कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर जो है राख के ऊपर निवास करने वाला परमेश्वर है। हमारे जिंदगी में हमको क्या दिखाई देता है, राख, दुख, संकट, परेशानी, है ना, आंसू, तकलीफ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसी के ऊपर क्या करता हूँ, निवास करता हूँ।
इसीलिए वचन कहता है कि मैं पीसे हुए मन और टूटे हुए मन और पीसे हुए हृदय के करीब रहने वाला परमेश्वर हूँ। उसी के ऊपर परमेश्वर निवास करता है। आज आपका मन टूटा है, आपका दिल पीसा है, आप परमेश्वर आप बहुत ही तकलीफ में है, दुख में है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे करीब हूँ, मैं तेरे ऊपर क्या करता हूँ, निवास करता हूँ, वहाँ से लोग मेरी महिमा को देखेंगे। इसीलिए यशया उसका 61 अध्याय, यशया उसका 61 अध्याय उसके 3 वचन को हम अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर हमको एक सुंदर चीज को बता रहे हैं। यशया 61:3, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यशया 61:3, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राग दूर करके, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा। हालेलुया। अय्यूब ने क्या किया, जब उसको पता चला कि मेरे सारे बच्चे मर गए, मेरे भेड़ बकरी गाय बैल सब कुछ बिखर गए, दुश्मनों ने मुझे लूट लिया, आग आकर बर्बाद हो गया, तो अय्यूब ने क्या किया, अपना बागा फाड़ा, अपने सिर को मुंडाकर अपने सिर के ऊपर राख, क्योंकि उस जमाने में शोक करने का एक तरीका था, लोग जो है राख को क्या करते थे, उड़ाते थे और उनके सिर के ऊपर राख भर जाता था, यानी लोगों को देख के ही पता चलता था कि ये इंसान क्या कर रहा है, शोक मना रहा है। परमेश्वर कहता है कि अब वो राख की जरूरत नहीं है, उस राख को मैं क्या कर दूंगा, हटाकर एक सुंदर पगड़ी तेरे सिर के ऊपर मैं रख दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे ग्रीफ को, हमारी पीड़ाओं को, हमारे आंसुओं को नहीं देखना चाहता है। वो हमारे जिंदगी में एक सूखापन, हमारे होठों पर उदासी नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको क्या कर दूंगा, हटाकर सुंदर पगड़ी। हालेलुया। जो महिमा, सुंदर पगड़ी, उस समय में जो इजरायली लोग थे वो लोग बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पगड़ियों को क्या करते थे, पहनते थे। हालेलुया। जब वो शोक कर रहे होंगे तो राख होता था, जब वो लोग नहीं शोक कर रहे हैं तो उस समय में वो सुंदर पगड़ियों को क्या करते थे, पहनते थे। परमेश्वर कहता है कि ब्यूटी फॉर एशेज, आई विल गिव यू ब्यूटीफुल, ब्यूटी फॉर एशेज। हालेलुया। और आगे वचन में क्या लिखा है, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उसको उदासी हटाकर ये यश का ओढ़ना उड़ाऊं, उदासी हटाकर यश का ओढ़ना। इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखा है, ऑयल ऑफ जॉय फॉर मॉर्निंग। परमेश्वर हमको क्या देता है, आनंद का तेल हमारे ऊपर उंडेल देता है, द गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। स्पिरिट ऑफ हैवीनेस मतलब क्या होता है, उदासी की आत्मा। जब तुम्हारे जीवन में घटनाएं, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी आत्मा को क्या कर सकती है, उदास कर सकती है। इतनी उदासी, इतना ग्रीफ कि कई लोग जो है सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, कई लोग जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कई लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग गुस्सा होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं, अलग अलग रिएक्शन होता है जब हमारी आत्मा जो है वो दुख से भर जाती है, स्पिरिट ऑफ हैवीनेस। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं उस स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, उस दुख से भरी आत्मा, तेरे विलाप को मैं क्या करूंगा, हटाकर गारमेंट ऑफ प्रेज, यानी मैं स्तुतियों का ओढ़ना तुझे क्या करूंगा, दूंगा, ताकि तेरे दुख में भी तू क्या कर सके, मेरी स्तुति कर सके, मेरी महिमा कर सके, मुझे ऊंचा उठा सके। हालेलुया। लोग तेरे दुखों को नहीं देखेंगे, लोग तू जो मेरे लिए स्तुति कर रही है, जो मेरे लिए स्तुति कर रहा है वो देखेंगे। हालेलुया। लॉर्ड इज गोइंग टू गिव अस अ गारमेंट ऑफ प्रेज इंस्टेड ऑफ हैवीनेस। हालेलुया। तो हम जो सवाल हमारे अंदर उठते हैं, ये क्यों, देखिए बहुत सारे कारण हैं,
कई चीज इस धरती पर इसीलिए होता है क्योंकि आज भी श्राप धरती पर है। हम श्राप, यीशु मसीह श्रापित बने ताकि हमको श्राप से आजादी मिले। हम श्राप से आजाद हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो श्राप से आजाद है, लेकिन ये धरती अभी भी श्राप में है और हम इस धरती के अंदर रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये श्राप जो है धरती के अंदर कार्य करती है। रोमियो की किताब 8वें अध्याय में लिखा है कि धरती को भी पीड़ा हो रही है, धरती को भी तकलीफ हो रही है, धरती भी इंतजार कर रही है कि कब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे छुड़ा ले जाएंगे। हालेलुया। अगर धरती ही पीड़ा में है तो धरती में रहने वाले हमारे ऊपर भी पीड़ा आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम श्राप में हैं। हम श्राप में नहीं हैं। अगर यहाँ हमारी आँख बंद हो जाती है तो हम स्वर्ग में हमारी आँखों को खोलते हैं क्योंकि हम श्राप से मुक्त हैं। हालेलुया। हम श्राप से मुक्त हैं लेकिन श्रापित धरती पर जी रहे हैं। इसीलिए धरती पर एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए धरती पर बाढ़, सुनामी, ये सारी चीज़ें आती है। हमेशा हर चीज़ लोगों के पाप की वजह से न्याय नहीं है ये धरती। इसीलिए आज भी कांटे उग रहे हैं ना धरती पर। कांटा क्या है आज हम देखते हैं। देखिए, परमेश्वर की सृष्टि बहुत सुंदर और अद्भुत है। गुलाब का फूल हमको बहुत अच्छा लगता है, सुंदर रहता है, लेकिन उसी फूल में कांटे भी हैं। प्रभु का आशीष भी यहाँ पर है, प्रभु की सुंदरता भी यहाँ पर है, और आज भी इस धरती के ऊपर कांटे उग रहे हैं, अर्थात श्राप आज भी एक्टिव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने आपके और मेरे लिए सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया और हम अब श्राप से मुक्त हैं। अब श्राप हमको रोक नहीं सकता, लेकिन क्या करें, ये धरती में जब तक है, जब तक प्रभु यीशु मसीह आकर इस धरती को मिटा नहीं देते, नए धरती को स्थापित नहीं करते, ये धरती भी पीड़ा से क्या कर रही है, ग्रोन कर रही है, पीड़ा से करहा रही है। हालेलुया। कभी कभी धरती के श्राप से भी कुछ चीजें होती है, कभी कभी लोगों की लापरवाही से भी चीज़ें हो सकती है। जब तुमको पता है कि तुम्हारे कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा और तुम उसको बनवाते नहीं हो और तुम वही चीज़, वही खराब ब्रेक के साथ अपने कार को अगर चला रहे हो तो एक्सीडेंट होना है। कुछ कुछ लापरवाही होती है। एलिशा के टाइम पे हम देखेंगे ना, जब एलिशा वो सारे भविष्यद्वक्ताओं के साथ मिलने के लिए आया, दूसरा राजा मेरे ख्याल से 4वें अध्याय में है, वो मिलने के लिए आया तो वहाँ पर सारे जो भविष्यद्वक्ता थे उन्होंने क्या किया, खाना बनाने के लिए वो लोग जंगल में गए कि कुछ सब्जियों को लेकर आए, और लेकर आते समय उन्होंने गलती से पॉइजनस चीज़ को लेकर आया। निकाला आपने से एक मिनट, हाँ चार देखिए 39 है क्या, हाँ, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 39 वचन। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया, हाँ, और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उनको न पहचानते थे। ये क्या है, ये लापरवाही है ना। जब वो सब्जियां लेने के लिए जा रहा था तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, पॉइजनस चीज़ है, उसको भी उठाकर लेकर आकर पका दिया और खा, थोड़ा सा खाया, तब पता चला अरे इसमें तो क्या है, जहर है। यानी कभी कभी लोग जो है लापरवाही करते हैं, उसकी वजह से भी कुछ हानियां होती है। हम हर चीज़ की दोष परमेश्वर को नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने यहाँ अपना काम क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका। नहीं नहीं, तुम्हें भी तो अपना जिम्मेदारी निभाना है, तुमको भी तो अपना काम करना है। जब तुमको पता है कि शराब पीने से मेरा ये शरीर खराब होता है, तंबाकू खाने से, या जो चीज़ें हम करते हैं शरीर के खिलाफ, वो चीज़ों से मेरे शरीर को तकलीफ हो सकती है, फिर भी हम करते हैं। जब बीमारी आ जाती है तो हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया। कुछ चीज़ें हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। कई बार देखो कितने लोग ग्राहम स्टेन्स की कहानी को जानते हैं, ग्राहम स्टेन्स और उसके 2 बच्चों को क्या कर दिया गया, ओरिस्सा में जलाकर राख कर दिया गया
है कि नहीं? अब वहाँ पे उनकी क्या, उन्होंने क्या पाप किया था? उनका पाप यही था कि ऑस्ट्रेलिया की अपने लाविश लाइफस्टाइल, अपने बहुत, वो बहुत अमीर लोग थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ त्याग कर इंडिया में आकर लेप्रेसी, कुष्ठ रोगों रोगियों की सेवा करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, और वो कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवा करते हुए सच्चे परमेश्वर के वचन को सुना रहे थे। किसी को पैसा देकर वो परिवर्तन नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक समूह ऐसा जमा हुआ जिनके विचार गलत थे, जिनके सोच गलत थे, जिनका खुद का विश्वास गलत था, और उस समूह ने मिलकर क्या कर दिया, उस पास्टर और उनके दो बच्चों को गाड़ी में जिंदा जला दिया। अब हम परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर ऐसा क्यों होने दिया? ये तो लोगों का, यानी रॉन्ग जो है, सेक्ट रॉन्ग जो है, कल्ट जो उनके गलत सोच है, उनके गलत विचार है, कल गलत विश्वास है। लेकिन देखो उसमें भी उनकी पत्नी ने क्या किया, जिन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों को जलाया है, मैं उनको क्या कर देती हूँ, माफ़ कर देती हूँ, उनको माफ़ कर दिया उन्होंने। हालेलुया, यही मसीही प्रेम है। हर एक सवालों का जवाब हमको जैसा चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा पाने की ज़रूरत नहीं है। आज परमेश्वर हमको यही कह रहा है, जैसे दाऊद ने किया कि हम उसमें हिम्मत को बांधें। दाऊद ने जैसे किया कि अपने दुख में उसने दूसरे को सहायता किया। दाऊद जैसे अपने दुश्मनों का पीछा करता रहा, उनको पकड़कर सब कुछ लूट कर ले आया, वैसे हम भी अपने दुश्मन, अपने दुष्ट जो हमारे ऊपर हमला करता है, हमारी खुशियों को, हमारे सेहत को, हमारे जॉय को, हमारे आनंद को छीनने की कोशिश करता है, उसका पीछा हम करते रहेंगे, उसको पकड़ेंगे, और जो उसने लूटा है हम उसे यीशु के नाम में क्या करेंगे, लौटा कर लेंगे। हालेलुया, क्योंकि आखिर मेरे जीवन का फाउंडेशन क्या है, मेरा परमेश्वर भला है। बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्दी हम जो उसमें बने हैं, सचमुच बने हुए हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि कलीसिया में आ गए तो कलीसिया को उठाकर लेके जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर में मजबूती में जो बने हुए हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में भी उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। मुझे कुछ मिले या ना मिले, I will still serve the Lord. I will still love Him. मैं उसे प्रेम करूंगी, मैं उसी के लिए जीऊंगी, मैं अंत तक, अंत में मैं जानती हूँ कि मेरी आशा को वो क्या करेगा, पूरा करेगा। अंत में एक दिन आएगा जब वो मुझे, या तो मुझे वो यहाँ से ले जाएगा, या वो खुद यहाँ पर आकर मुझे ले जाएगा, और उस दिन मेरे आनंद का कोई सीमा नहीं होगा। वहाँ पर मेरे पति और मेरे बच्चे मुझे फिर से मिलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में ध्यान करिए, दाऊद के बारे में, सॉरी अय्यूब के बारे में ध्यान करिए। ये परमेश्वर ने उसको सारी चीजों में दुगनी आशीष को दे दी, लेकिन जब बच्चे दिए तो कितने बच्चे दिए? अगर उसके पास 500 कैमल थे तो परमेश्वर ने उसको 1000 दिए, ठीक है। हर चीज में परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। उसके पास 10 बच्चे थे तो परमेश्वर ने कितने बच्चे देने चाहिए थे? 20, लेकिन दिए कितने? 10 ही क्यों दिए? उसमें क्यों परमेश्वर ने दुगना आशीष नहीं दिया? वहां पर कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि जो 10 इसके पहले मर गए थे वो मरे कहाँ हैं? वो तो जीवित है। 10 ऊपर है और 10 नीचे है। हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मरते हैं, सो जाते हैं, वो मरे हुओं में गिने ही नहीं जाते हैं, वो आज भी जीवित है। ब्रदर थॉमस जीवित है, बेनी इज़राइल जीवित है। हालेलुया, हम अपने सोच को उसके बारे में ना सोचे कि मेरा पति अगर मेरे साथ आज होता, मेरे बच्चे आज मेरे सामने होते तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगा, पीड़ा होगा, लेकिन आज मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पति भले मेरे साथ नहीं, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर हम जाने के लिए कितना तकलीफ उठा रहे हैं। हम सब यहाँ पर एक ही आशा से जी रहे हैं कि मैं भी वो पालूं, है ना, मैं भी वहां जा, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि उनको भले ही समय से पहले, लेकिन वो लोग उस चीज को पा लिए हैं। आज वो लोग वहां पर खुश है, वो लोग मरे हुए नहीं है। हम एक दिन ये शरीर को छोड़कर जाएंगे और उनके समान हम भी हो जाएंगे। हालेलुया,
बस इसी चीज़ में हमको बने रहना है, इसी चीज़ में हमें डटे रहना है। कभी अपने विश्वास को कम होने मत देना। ज़िंदगी में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन यहोवा इज़राइल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। हालेलुया। और वो भलाई ही को उत्पन्न करता है, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। उसकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छी है, वो हमारी हानि के लिए नहीं है। अंत में हमारी आशा को, अंत में हमेशा याद रखना, अंत में ये जीवन का अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया।